किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की जो टॉपिक है हमारा बहुत ही जरूरी टॉपिक है और हर फार्मर को ये जो वीडियो है मुझे लगता है कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, ज़्यादातर किसान भाई हैं, वो फंजीसाइड का, इंसेक्टीसाइड का प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते हैं कि रोग नहीं है, वो फिर भी स्प्रे ले रहे हैं ताकि उनकी फसलों में जो रोग है, वो कीट है, उसका अटैक देखने को ना मिले। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक है हमारे किसानों के लिए भी, आपके लिए भी बहुत खतरनाक है, और वैसे भी ये खतरनाक है क्योंकि और लोगों के लिए भी, क्योंकि उसके जो प्रोडक्शन हम लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल हम स्प्रे कर देते हैं तो उसको जो भी कंज्यूम करता है उसके लिए भी ये हानिकारक है, क्योंकि उसमें जब हम प्रिवेंटिव में स्प्रे देते रहते हैं तो जो केमिकल है वो हमारे जो प्रोडक्शन हम जो भी ले रहे हैं, मान लीजिए कोई फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो उसमें केमिकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है जो किसी भी सेहत, किसी की भी व्यक्ति की सेहत के लिए वो बहुत ही हानिकारक है। कोई भी उसको कंज्यूम करेगा उसकी सेहत पे वो बुरा ही प्रभाव डालेगा, और उसके साथ साथ किसानों के लिए, हमारे लिए जो फार्मर खेती कर रहे हैं उनके लिए पैसे का वेस्टेज है, और वैसे भी और भी तरीके से उनके लिए हानिकारक है। वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरीके से वो नहीं करना चाहिए, क्या क्या नुकसान हमें होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आप ज़्यादातर किसान मैंने देखा है कि प्रिवेंटिव में स्प्रे लेना चाहते हैं कि ये फंजीसाइड है, हमारे फसलों में रोग नहीं है, और हम प्रिवेंटिव में स्प्रे कर दें तो हमारी फसलों में रोग नहीं आएगा। तो देखिए, उससे जो पहला नुकसान आपके को देखने को मिलता है, जो हमारे फार्मर को, कि पहला कि आपकी फसलों में मान लीजिए अभी फंगस का अटैक नहीं है, कीट का अटैक नहीं है, और आपने अभी स्प्रे ले लिया, हो सकता है कि अभी क्योंकि किसी भी कीटनाशक का या फंजीसाइड का जो असर है, जो वो मैक्सिमम उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो लगभग 5 से 6 दिन तक देखने को मिलती है, और कम ही 4 से 5 दिन तक ही देखने को मिलती है। तो आपने स्प्रे किया और 4 से 5 दिन तक मान लीजिए हमारी फसल पर किसी फंगस का अटैक होना ही नहीं था या कीट का अटैक होना ही नहीं था, तो उसका जो आपने जो केमिकल पर खर्चा किया वो टोटल वेस्ट गया। आपने उसमें जो स्प्रे में लेबर लगाई या आपने खुद स्प्रे किया तो आपकी जो मेहनत है वो टोटल वेस्ट चली गई। उसके साथ साथ देखिए, नुकसान एक और होता है कि आप मान लीजिए आपने स्प्रे किया तो स्प्रे के बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपकी फसल में फंगस का अटैक नहीं है 4 से 5 दिन बाद, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है, मान लीजिए कोई फंजीसाइड का स्प्रे दिया है या आपने इंसेक्टीसाइड का स्प्रे दिया है, तो 4 से 5 दिन बाद उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, और 4 से 5 दिन बाद मान लीजिए किसी फंगस ने या इंसेक्ट ने उस पर अटैक कर दिया, तो क्योंकि जो आपने कीटनाशक या फफूंदी नाशक का स्प्रे किया है उसकी टॉक्सिसिटी कम है, तो जो भी फंगस अटैक कर रही है या जो भी कीट अटैक कर रहा है तो वो उस पर बैठ के, क्योंकि उसके अंदर जो, क्योंकि वो जो कीटनाशक है जो हमने स्प्रे किया है, फंजीसाइड स्प्रे किया है, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई है, तो वो उसके अंदर केमिकल जाएगा कम टॉक्सिसिटी में, जो हमारा कीट है जब वो रस चूसेगा उसके अंदर जाएगा, फंगस अटैक करेगी उसके अंदर जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसको मारेगा तो नहीं, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि हमने 4 से 5 दिन पहले स्प्रे किया था और 4 से 5 दिन बाद किसी कीट ने या फंगस ने अटैक किया है, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ी मात्रा में उसके अंदर जाएगा, कम टॉक्सिसिटी के साथ उसके अंदर जाएगा, उससे कीट के अंदर और फंगस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जो कीट का अटैक और फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो आपकी फसलों में कोई भी कीटनाशक या कोई भी फफूंदी नाशक काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या है कि उसने आपकी गलती की वजह से जो कीट के अंदर या फंगस के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो अब आपको नुकसान देखने को मिलेगा कि आपका एक तो कोई भी अच्छी से अच्छी दवा डालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो एक तो कीट कंट्रोल नहीं होगा, ना ही फंगस कंट्रोल होगा, और आपकी जो फसल है वो टोटल वेस्ट चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए बेवजह आप जो कीटनाशक हैं, जो फफूंदी नाशक हैं, मेरे ख्याल से उनका प्रिवेंटिव में स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक कंडीशन है आप कर सकते हैं, मैं हर बार आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी फसलों में लगातार कोई डिजीज आ रहा है, आपने पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी देखा, उससे पहले क्रॉप लगाई थी उसमें भी वो सेम डिजीज आया, तो उसके लिए मान लीजिए फिर से आपने उसी फील्ड में, सेम फील्ड में आपने वही क्रॉप लगाई है और उसमें फिर वही रोग आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आएगा ही आएगा, तो उसके लिए जैसे ही एनवायरनमेंट बनता है, मान लीजिए वो हाई मॉइस्चर में आता है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो बारिश हो गई है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो उस कंडीशन में आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि उस रोग के आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी आप प्रिवेंटिव में जो हमारे ऑर्गेनिक कीटनाशक हैं या फफूंदी नाशक हैं उनका स्प्रे लेते हैं तो काफ़ी अच्छे
आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव में आप जो ऑर्गेनिक है उनका ही स्प्रे लें, और केमिकल का स्प्रे आप बिल्कुल भी ना लें। मैंने आपको बताया कि वो नुकसान होता है। उसके साथ साथ देखिए आप, क्योंकि प्रिवेंटिव में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे आप करते हैं और रोग आने पर भी स्प्रे करते हैं, तो उसमें जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं उसमें भी टॉक्सिसिटी जाती है, यानी कि उसमें भी जो उसका जहर है वो प्रोडक्शन, हमारा टमाटर की फसल है, टमाटर के अंदर, मिर्च के अंदर, और उसको जो भी व्यक्ति कंज्यूम करेगा तो उसको भी वो बीमारी घेरती हैं, यानी कि तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर भी होती हैं। और जब हम भी स्प्रे करते हैं, बार बार स्प्रे हम करते हैं, क्योंकि हम कोई भी सेफ्टी, ना तो मास्क लगाते हैं ना हम ग्लव्स पहनते हैं, तो वो हमारे अंदर भी जाता है केमिकल हवा के जरिए, तो वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा। अभी हमें लगता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है हम, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा केमिकल जाता है और उससे फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में चल के, यानी कि लंबे समय बाद हमारी बॉडी में बहुत ही इफेक्ट, हमें बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप केमिकल का स्प्रे जब भी करें, पहले तो सेफ्टी का आप ध्यान रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ना करें, उससे प्रिवेंटिव में स्प्रे से आप बिल्कुल ही आपको बचना चाहिए। स्प्रे जब ही करना चाहिए कि जब आपकी फसल में कीटों का अटैक है, मान लीजिए अभी इनिशियल स्टेज है, आपको अपनी फसल पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, अभी आपको लग रहा है कि हाँ अभी हमारी फसल में इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो तुरंत स्प्रे कर दीजिए, वो तुरंत उसको कंट्रोल कर लेगा। ये मत देखिए कि हम उसको एकदम सीवियर कंडीशन में ले जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल जाए तब स्प्रे करते हैं, तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए विजिट करते रहिए 3 दिन में, 4 दिन में एक बार अपनी फसल पर, और चेक करिए कि अटैक तो नहीं है। जैसे ही अटैक आपको दिखाई दे आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए। एक हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि हम बैंगन की फसल में प्रिवेंटिव में देते हैं तो तब भी जो कीट है वो कंट्रोल नहीं होता है, और हम कीट आने पर स्प्रे देंगे तो कैसे बात बनेगी, तो वो तो कंट्रोल ही नहीं होगा। तो देखिए आप प्रिवेंटिव में देते हैं तभी आप नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव में देते हैं तो कीट के अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उसका जैसे केमिकल असर कम होता है, तो कीट ने मान लीजिए अटैक कर दिया बाई चांस, तो उसके अंदर वो केमिकल जाएगा और बहुत थोड़ी मात्रा में जाएगा, तो उससे उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, बॉडी अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेगी उसकी, और फिर आप उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए कीट का अटैक होने पर आपको समझना भी है कि मान लीजिए फल छेदक का अटैक है, तो वो ऐसा नहीं कि आप केमिकल का स्प्रे करते रहे उस पर और वो कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। तो उस पर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए जो खराब फल है जिसके अंदर कीड़ा है, उन फलों को निकालिए खेत से और कहीं गड्ढा खोद के दबा दिए खेत के बाहर, उसमें खेत में मत छोड़िए, ताकि जो कीड़ा है उसका लाइफ साइकिल को ब्रेक किया जाए। मान लीजिए आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कीड़ा फ्रूट से निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर हमारे प्लांट पे बैठेगा। तो इसलिए ऐसा भी आपको करना है कि आपको जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जैसे हम हाथों से या कैसे भी उसकी तुड़ाई करके हम कर सकते हैं, तो वो भी आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल केमिकल के भरोसे बैठ जाएं, तो वो बिल्कुल भी ना करें। तो जो भी हम सेफ्टी बरत सकते हैं अपने तरीके से कि कीट हमारे खेतों में कम से कम आए, तो वो भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ केमिकल का भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको स्प्रे करना है, इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।